अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.1 अल्लाह के नाम के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका हमें चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाला सेट दिया हुआ है, इस सेट के लिए हमें देख रहे हैं क्या देखना है, क्लियर प्रॉपर्टी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स इसके 3 वीडियोस में बना चुका हूँ, उन वीडियोस के लिंक्स मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो जो लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं वो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर 3 वीडियोज़ के लिंक्स दिए हुए हैं। तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स मौजूद हैं, उनको आप अच्छे तरीके से देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस सेट का हमें चेक करना है कि दिस सेट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्या तरीका है, जो सेट दिया हुआ है इसमें एक ही एलिमेंट है तो 2 लाइनें आपने लगा लेनी है, एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर। अब इस सेट में एक ही एलिमेंट है, इस एलिमेंट को आपने यहाँ पर भी लिख देना और यहाँ पर भी लिख देना। अब हमें क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का सिंबल हम यहाँ पर लगा देंगे, प्लस एडिशन का सिंबल हमने लगा दिया। अब क्या करना है, 0 + 0, इन दोनों एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है इसका हम देख रहे हैं इस सेट पर मौजूद है या नहीं मौजूद। तो 0 बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू द गिवन सेट। 0 बिलोंग्स टू द गिवन सेट, दोनों इस सेट का एक एलिमेंट है 0। तो 0 में 0 ऐड किया तो 0 आ गया। अब 0 इसी सेट का एलिमेंट है, और जब इसी सेट का एलिमेंट है तो हम लिखेंगे देयरफॉर द सेट, जो गिवन सेट है, हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का लिखने के लिए सिंबल लगा दें, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द सेट, जो सेट दिया हुआ है इसमें एक एलिमेंट है 0, इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको लिखने 2 तरीके हैं, द सेट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूँ लिख लें, या फिर द सेट जो दिया हुआ सेट दिया हुआ है इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कभी इस तरह लिखा होता है, कभी इस तरह लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो मीनिंग इसका वही मीनिंग इसका। लिखने के 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। अब इसी सेट का हमें चेक करना है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब दोबारा इसको करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, फिर 2 लाइनें लगा लेनी है, एलिमेंट लिख दिया 0 0। अब मल्टीप्लिकेशन का निशान है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा दिया, ये वाला निशान लगा, या फिर आप डॉट लगा सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप ये डॉट होता है डॉट लगा लें, या फिर मल्टीप्लाई का निशान लगा लें, दोनों निशान ठीक हैं। अब 0 का उन्हें मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या है, 0 हो जाएगा। अब फिर मल्टीप्लाई करने से भी 0 आया, 0 उसी सेट का एलिमेंट है जो सेट हमें दिया हुआ है, 0 उसी सेट का एलिमेंट जो सेट हमें दिया हुआ है। तो 0 बिलोंग्स टू द गिवन सेट, जब उसी सेट का एलिमेंट है फिर क्या लिखने दिया, 4, जो गिवन सेट है, हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैं डॉट लगा दें, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप डॉट लगा सकते हैं, या फिर आप क्रॉस का निशान, या फिर आप और क्रॉस का निशान लगा सकते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको लिखना दूसरा तरीका क्या है, द सेट इज क्लोज्ड, या फिर यूँ भी लिख सकते हैं द सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या पूरा मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट पार्ट हमने कह लिया, जो सेट हमने दिया हुआ था 0, ये वाला सेट, ये वाला जो सेट है ये वाला, तो दिस सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ आई होगी। सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट क्या, आप अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें,
ताकि आने वाली वीडियोस वो भी आते हैं पहुँचते रहें। सेकंड पार्ट है, इसमें आपको जो सेट है वो दिया हुआ है, उसमें एक एलिमेंट है वन। सेकंड पार्ट सेट है, इसमें एक एलिमेंट है वन। तो इसको हमें चेक करना है, ये जो सेट है क्लियर प्रॉपर्टी चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं, तो दो लाने लगा लेंगे यूं करके, इसमें एलिमेंट वन है, वन को यहाँ पर भी लिख देना है, वन को यहाँ पर भी लिख देना है। अब प्लस का निशान, एडिशन का निशान लगा दिया। अब वन प्लस वन क्या करेंगे, वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू। अब जो एलिमेंट टू आया ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट, ये डज नॉट बिलोंग टू, बिलोंग टू लेकर उसको काट दिया है, तो डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। जो टू है इस सेट का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट है वन है, टू इसमें मौजूद नहीं है। तो द एलिमेंट टू डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, जो सेट दिया हुआ ये वाला इज नॉट क्लोज, क्या लिख देंगे, इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। द गिवन सेट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी का हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो दोबारा दो लाने लगा लें, वन वन, तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डॉट लगा दें या क्रॉस लगा दें, डॉट मल्टीप्लिकेशन है। तो वन मल्टीपल बाय वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब वन जो है वो इसी सेट का एलिमेंट है, जो वन है वो इसी सेट का एलिमेंट है जो सेट हमें दिया हुआ है। तो वन बिलोंग टू दिस सेट, तो देयरफॉर हम लिख देंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, द सेट, जो सेट दिया हुआ है, द सेट वन इज क्लोज्ड, इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, द सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट करते हैं इसका, तो थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट इसका, तो सेट दिया हुआ हमें, उसमें एलिमेंट्स हैं जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, यह सेट दिया हुआ, इसमें दो एलिमेंट्स हैं जीरो माइनस वन। तो क्लियर प्रॉपर्टी चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब दो एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स को लिखेंगे जीरो स्पेस देकर माइनस वन, स्पेस देने दरमियान में ये सही, यहाँ पर लिखेंगे जीरो और माइनस वन, दोनों एलिमेंट्स हमने लिख दिया है, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन। अब एडिशन का सिंबल लगा दिया एडिशन। अब जीरो प्लस जीरो, जीरो के इसमें जीरो ऐड करें तो कितना जीरो आ जाएगा, तो जीरो के इसमें ऐड करें, जीरो माइनस वन कितना आ जाएगा माइनस वन, फिर माइनस वन को जीरो में ऐड करें, माइनस वन प्लस जीरो कितना आ जाएगा माइनस वन, फिर माइनस वन को इसमें ऐड करें, माइनस वन कितने होते हैं माइनस टू। अब जीरो तो इसी सेट का एलिमेंट है, माइनस वन भी इसी सेट का एलिमेंट है, लेकिन ये जो माइनस टू है इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इसी सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए, इस सेट ये जो एलिमेंट्स आए हैं ये तमाम एलिमेंट्स इसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। ये तीन एलिमेंट्स और इसी सेट के एलिमेंट हैं, लेकिन यह एक जो एलिमेंट है माइनस टू इस सेट का एलिमेंट नहीं है। माइनस टू है, डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट, डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट, जीरो माइनस वन। ये तीन एलिमेंट्स इसी सेट के एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो चौथा एलिमेंट है माइनस टू इस सेट का एलिमेंट नहीं है। सारे जो एलिमेंट्स हैं इसी सेट के होने चाहिए। अगर एक एलिमेंट भी इसका इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे द सेट, जो सेट दिया हुआ है जीरो माइनस वन इज नॉट क्लोज, क्या लिख देंगे, इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चूँकि माइनस टू इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए जो सेट है वो क्या, इज नॉट क्लोज लिखेंगे, इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी को चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये लिख लेंगे जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डॉट लगा देंगे, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब जीरो का मल्टीप्लाई करें जीरो के साथ, जीरो इंटू जीरो कितना आएगा जीरो, जीरो का माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करें ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस वन को जीरो से मल्टीप्लाई करें ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू माइनस वन जीरो, माइनस वन इंटू जीरो जीरो। अब माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, माइनस वन को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस वन आ जाएगा। जब माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें क्या प्लस वन आएगा, प्लस वन इसमें मौजूद नहीं है, क्या डॉट नॉट बिलोंग, क्या लिखने का
डज नॉट बिलोंग टू जीरो और माइनस वन। इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं जीरो माइनस वन, लेकिन ये वाला प्लस वन है, प्लस वन इस पर मौजूद नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सेट जीरो माइनस वन डज नॉट, क्या लिखेंगे, इज नॉट क्लोज, क्या इज नॉट क्लोज, इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। द गिवन सेट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पार्ट चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट करते हैं। तो चौथा पार्ट क्या है, वन माइनस वन, वन माइनस वन। अब चौथा पार्ट आप खुद कर सकते हैं, अब साथ साथ आप बोलते जाएं, जब साथ साथ आप बोलेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी और याद भी रहेगा। तो हमें चेक करना है क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो दो लाने लगा लेंगे, दो लाने लगा लेनी है। तो दो एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स कहते हैं वन और माइनस वन, स्पेस से क्या लिखना है कि वन और माइनस वन, फिर एडिशन का सिंबल लगा दिया एड। अब वन प्लस वन, अब वन को वन प्लस करेंगे, वन प्लस वन कितना आएगा, टू। तो जो पहला ही एलिमेंट है वन प्लस वन, हमने टू ऐड किया, टू आ गया, टू इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आपको कोई पास कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो बाकी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इधर से यह सवाल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं वन प्लस वन टू है, तो टू जो है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, टू इस सेट का एलिमेंट नहीं है। टू डज नॉट बिलोंग टू टू, या डज नॉट बिलोंग टू, टू डज नॉट बिलोंग टू वन माइनस वन, जो टू है इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो क्या लिखते हैं, दिया फोर जो सेट दिया हुआ है वन माइनस वन इज नॉट क्लोज, इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसे को चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दोबारा दो लाने लगाएंगे, दोनों में लिख देंगे वन माइनस वन, वन माइनस वन, मल्टीप्लिकेशन का निशान डॉट लगा दें या क्रॉस लगा दें, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो वन इंटू वन कितना आ जाएगा, वन। फिर वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, माइनस वन, फिर माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस वन आ जाएगा, फिर माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, प्लस वन आ जाएगा। अब देखें वन माइनस वन माइनस वन वन, इसी के एलिमेंट है, चारों एलिमेंट्स में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसका एलिमेंट ना हो, चारों एलिमेंट्स इसी सेट में मौजूद हैं, चारों एलिमेंट्स इसी सेट में। तो ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग टू द गिवन सेट वन माइनस वन, ऑल द फोर एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेट वन माइनस वन। तो देयरफॉर हम लिखते हैं कि देयरफॉर जो गिवन सेट है वन माइनस वन इज क्लोज, क्या लिखते हैं, इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। द गिवन सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर वन के चार पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स हमने निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, और आपको समझ आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो क्वेश्चन नंबर टू है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। प्रॉपर्टी जब रियल नंबर्स हैं तो प्रॉपर्टी रियल नंबर्स, उसके तीन वीडियोस मैंने बना रखी हैं, उनका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उस वीडियोस को, उन तीनों वीडियोस को भी आप देखें ताकि प्रॉपर्टी रियल नंबर्स हैं उसकी भी समझ आएगी इंशाल्लाह। तो नेम द प्रॉपर्टीज यूज, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हमें बतानी है। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट क्या है, फोर प्लस नाइन, फोर प्लस नाइन इज इक्वल टू, फोर प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन प्लस फोर, नाइन प्लस फोर, तो वाली प्रॉपर्टी है। फोर या फोर और नाइन है, या भी फोर और नाइन है, तो यहाँ पर फोर प्लस नाइन है, फिर यहाँ पर नाइन प्लस फोर, ये वाली प्रॉपर्टी होती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और ये बी को ऐसे दो रियल नंबर हैं, ए प्लस बी इज इक्वल, देखिए फोर प्लस नाइन थर्टीन होता है, नाइन प्लस फोर भी थर्टीन होता है, थर्टीन इज इक्वल टू थर्टीन, ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट्स यूज होते हैं, ये आपने याद रखना है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, कोई सा दो एलिमेंट्स होते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, फोर प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन प्लस फोर, इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
तो इसको आपने याद रखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा दो एलिमेंट्स यूज होते हैं, ये सेकंड है सेकंड पार्ट इसका, तो ए प्लस वन, ए प्लस वन प्लस थ्री ओवर फोर, ए प्लस वन प्लस थ्री ओवर फोर इज इक्वल टू ए प्लस वन प्लस थ्री ओवर फोर। अभी इसमें तीन एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, एक दो तीन, इसमें तीन एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, दरमियान में एडिशन है, तो जिसमें तीन एलिमेंट्स यूज होते हैं, जिस प्रॉपर्टी में तीन एलिमेंट्स यूज होते हैं, ऊपर की प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें तीन एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं तो इसमें पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन एलिमेंट्स यूज, ये आपने याद रखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट्स यूज होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन एलिमेंट्स यूज होते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, फिर रूट थ्री, इसको पढ़ते हैं रूट पढ़ते हैं, अंडर रूट पढ़ते हैं या स्क्वायर रूट पढ़ते हैं या सिंपली रूट पढ़ सकते हैं, इसका जो सिंबल है इसको अंडर रूट या स्क्वायर रूट या रूट, रूट थ्री प्लस रूट फाइव, रूट थ्री प्लस रूट फाइव प्लस रूट सेवन, प्लस रूट सेवन इज इक्वल टू, तो रूट थ्री प्लस रूट फाइव प्लस रूट सेवन, तो इसमें भी देखें तीन एलिमेंट्स हैं, एक दो तीन, इसमें भी तीन एलिमेंट्स हैं, तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक दो तीन एलिमेंट्स हैं, इसे भी पढ़े लिखे क्या लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तीन एलिमेंट्स हैं इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फिर फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट में क्या है हंड्रेड प्लस जीरो इज इक्वल टू हंड्रेड, हंड्रेड प्लस जीरो इज इक्वल टू हंड्रेड, यार जीरो है तो हंड्रेड में जीरो ऐड किया तो हंड्रेड ही आ गया, तो जीरो होता है हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जीरो इज कॉल्ड, जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो जीरो है यह एलिमेंट है इससे हम क्या कहते हैं जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो अगर किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करें वही नंबर आ जाता है, जीरो ऐड करने से कोई चेंज नहीं आती, तो इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्या पढ़े इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, ऐड हो रहा है इसलिए एडिटिव, ऐड हो रहा है इसलिए क्या करेंगे एडिटिव, और जीरो क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है इसे हम लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। जहाँ पर भी एडिशन होगी एडिशन में हमेशा जीरो होगा उसे लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर फाइव, पार्ट नंबर फाइव में क्या है वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई वन इज इक्वल टू वन थाउजेंड, अब देखो ऊपर में जीरो ऐड हो रहा था वन मल्टीप्लाई हो रहा है, वन क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस जैसे जीरो के क्या 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 कहते हैं जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसी तरह जो वन है वन इज कॉल्ड ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो वन है ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन निशान है क्रॉस, तो जीरो को हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर एडिशन हो तो भी जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है वन होता है, वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू, अगर जीरो तो वो ऐड होता है वन तो वो मल्टीप्लाई, ये आपने याद रखना है जीरो है तो वो ऐड होता है वन तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो क्या लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या लिख देना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख देना आपने, वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो देयर फॉर जो प्रॉपर्टी है उसको क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सिक्स है इसका, पार्ट नंबर सिक्स उसको करते हैं देखते हैं, तो छठा पार्ट है
छठे पार्ट में क्या है, 4.1 प्लस माइनस 4.1 इज इक्वल टू 0। तो 4.1 प्लस माइनस 4.1 इज इक्वल टू 0। दो एलिमेंट्स हैं, इन पर आपने ऐड किया, आंसर क्या आ गया, 0। तो 0 क्या चीज़ है, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 क्या चीज़ है, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जब दो एलिमेंट्स को ऐड करने से 0 आ जाए, जब दो नंबर्स को ऐड करने से 0 आ जाए, फिर दोनों जो नंबर्स हैं एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। जब दो नंबर्स को ऐड करने से 0 आ जाए, फिर दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है, एडिटिव इनवर्स। जो प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम लिख देंगे, एडिटिव इनवर्स। जब दो नंबर्स को ऐड करने से 0 आ जाए, तो फिर दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इसका इनवर्स ये वाला है, 4.1 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -4.1। इसी तरह -4.1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +4.1। दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7, जो नेक्स्ट पार्ट है 7, पार्ट नंबर 7। इसमें क्या है, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी दो नंबर्स को ऐड करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ए में से या इसका व्यू भी लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस ए, ए माइनस ए का क्या अलग होता है, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। चाहे ए माइनस ए लिखा हुआ है, चाहे ए प्लस माइनस ए, इस जहाँ पर देखें दो नंबर्स को आपने ऐड किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। या भी दो नंबर्स को ऐड करने से 0 आ जाए, इसका अलग होता है, दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। इसी तरह जो माइनस ए, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस ए। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है, एडिटिव इनवर्स। जो प्रॉपर्टी उसका क्या नाम है, एडिटिव इनवर्स। तो प्रॉपर्टी का नाम लिखना है आपने, तो लिख देंगे एडिटिव इनवर्स। ऐड हो रहे हैं इसे एडिटिव लिखेंगे। पार्ट नंबर 8 है, तो पार्ट नंबर 8 में क्या है, तो रूट टू मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2। पार्ट नंबर 8 है, रूट टू मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2। अब देखें यहाँ पर दो नंबर हैं और दरम्यान में मल्टीप्लीकेशन, ये देखें ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए, दरमियान में प्लस होगा, यूँ हो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था। तो क्या पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दरमियान में प्लस है तो उसको क्या पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन यहाँ पर दरमियान में मल्टीप्लाई है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए। तो इसमें दो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा दो एलिमेंट्स यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है, नाइन्थ पार्ट है इसका। तो नाइन्थ पार्ट क्या है, ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। आज देखें जो ए है इसमें भी तीन एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन निशान है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का निशान है। जो ए है लेफ्ट पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू जो ए है बी माइनस सी के लेफ्ट साइड के ऊपर है, इसे हम पढ़ते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए चूँकि लेफ्ट साइड के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टेंथ पार्ट इसका। तो टेंथ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एस माइनस वाई, एस माइनस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब जहाँ पर देखें एस माइनस वाई इंटू जेड, जो जेड है वो राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, चूँकि जेड राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट क्यों है,
इसलिए कि जो जेड है उसको आपने राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए राइट डिसेबिलिटी प्रॉपर्टी। इसमें ए लेफ्ट साइड के ऊपर था, इसलिए लेफ्ट डिसेबिलिटी प्रॉपर्टी। इसमें जेड राइट साइड के ऊपर है, इसलिए राइट डिसेबिलिटी प्रॉपर्टी उसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, 11th पार्ट, जिसका 4 × 4 × 5 × 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 4 × 5 × 8। तो यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट पार्ट है, 12th पार्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी, बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। इसमें भी जो ए है लेफ्ट साइड के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी जो ए है वो लेफ्ट साइड के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको क्या बनेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बनेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है हर जो प्रॉपर्टी है, आप तीन चार दफ़ा खुद पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो को, तीन चार दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फिर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज, इसमें भी बताना है आपने नेम द प्रॉपर्टी यूज, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो बताना है आपने। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, माइनस थ्री इज लेस दैन माइनस टू, तो इसके सिंबल क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज माइनस थ्री इज लेस दैन, इसको पढ़ते हैं लेस दैन पढ़ते हैं, माइनस थ्री इज लेस दैन माइनस टू, इस सिंबल क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज 0 < 1, माइनस थ्री इज लेस दैन माइनस टू, इम्प्लाइज 0 < 1। तो इसमें आपने बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। अब देखें ये माइनस थ्री था, यह जीरो कैसे बन गया, ये माइनस टू था, ये वाला 1 बन गया, तो क्या काम किया हमने, अब देखें 3 - 0 कैसे बनेगा, 3 ऐड कर दिया, दोनों साइड के ऊपर 3 ऐड कर दिया,